आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। के मास न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय उपस्थित हूं सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक अखंड नगर के ग्राम सभा पहाड़पुर बैस में। मैं इस समय वहां उपस्थित हूं जहां पर एक कृष्ण कुमार गौतम जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के आप सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी आवाज़ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप मेरे बगल में बैठे हैं। मैं इस समय जो 3 तारीख को हृदय विदारक जो एक घटना घटित हुई है, हत्या को लेकर, जो एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, 2 मासूम बच्चों की हत्या होती है, ऐसे इस माहौल को लेकर के, इस परिस्थिति में आपसे हम कुछ उस पीड़ित परिवार के लिए जानने का प्रयास करेंगे और आप तक इनके विचारों को साझा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले तो हम जिलाध्यक्ष जी महोदय का के मास न्यूज में, न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, जय भीम जय मूलनासी करते हैं। बड़े भाई, ये बताइए, जो अभी 3 तारीख को समय लगभग माने तो 7-7:30 के बीच का मामला रहा होगा जी, सुनील और उनकी पत्नी पूनम अमेठी जो शिक्षक थे और पढ़ाने का काम करते थे, अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे थे, और उसी शाम को चंदन नाम का व्यक्ति आता है और जो भी परिस्थिति पहले की रही हो आता है और चारों 2 छोटे-छोटे बच्चे जिनको अभी ये पता नहीं था दुनिया क्या है, उनको प्लस और दोनों मियां बीवी को गोलियों से भूत डालता है और तत्काल सारे लोगों की, 4 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। ऐसे में आज पूरा देश इस घटना से बहुत ही दुखी है। ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हत्या को किस एंगल से आप देखते हैं? मैं सुन के तो स्तब्ध रह गया, ऐसी घटना अमूमन नहीं होनी चाहिए। ये घटना बहुत हृदय विदारक है। मृतक परिवार को मेरी तरफ से पूर्णतः शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और मन को आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन हुआ क्यों? देश में, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो कहती है कि मैं भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पर रखूँगा, लेकिन वहीं एक शिक्षक जो कि समाज के आईना होते हैं उनको दिन दहाड़े या शाम के समय उस देवी की आरती का सहारा लेके मार दिया जाता है, जिस देवी को लोग पूजते हैं, वो भी एक प्रश्नचिन्ह है। जिस धर्म को आप सबसे ऊपर रखते हैं उस धर्म का सहारा लेके मार दिया जाता है और मारने वाला खुखार आप समझ लीजिए वो एक प्रकार से भ्रष्टाचारी और आतंकवादी ही कह लीजिए। विगत 18 तारीख को वह शिक्षक दंपति उस उक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है और यह संगीन आरोप लगाता है कि उक्त व्यक्ति हमको दिन दहाड़े छेड़ता है, जो महिला शिक्षक दवा लेने गए थे छेड़ता है। 18 अगस्त को तो पुलिस क्यों मौन हो गई? ये बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है पुलिस के ऊपर, जो पुलिस आज उस दंपति का चरित्र हरण कर रही है, झूठा अनायास प्रेम प्रसंग को बताकर अपने कार्य के प्रति ये बापोती कर रही है। ये प्रेम प्रसंग का मामला बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर हो भी सकता है तो चंदन के प्रति एक तरफा हो सकता नहीं। अब जिलाध्यक्ष जी एक चीज़ बताइए, जैसे पुलिस प्रशासन या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उनका उस व्यक्ति के साथ, चंदन के साथ नाजायज संबंध थे, प्रेम प्रसंग का मामला था, अगर ऐसा था तो फिर वह 18 अगस्त को FIR क्यों हुआ था? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, अगर वास्तव में इस बात में सच्चाई थी तो FIR होने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर FIR हुआ है तो पुलिस इस बात को पूर्णतः गलत रूप से प्रस्तुत करेगी, इस बात पर पुलिस के ऊपर FIR होनी चाहिए, अन्यथा ये आज मरणोपरांत किसी के आप चरित्र को चरित्र हरण नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद मामला है, प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं है। हत्या करने वाला व्यक्ति बिल्कुल हत्यारा था, वह समाज का नकारा व्यक्ति था, वह नाजायज रूप से शिक्षक को परेशान करता था, इसके खिलाफ अभी तक जो कार्यवाही हुई है ये बिल्कुल नाकाफी हुई है। आप देख रहे हैं, 1 मिनट, आप 10 ग्राम चांदी चुराने वाले का इनकाउंटर हो जा रहा है
और चार चार हत्याओं को अंजाम देने वालों को भी ये गति ये समस्या पुलिस प्रशासन तो उसको पकड़ रखा है, जेल में है वो तो तमाम इस तरीके से तमाम लोग जेल में पड़े हैं। आज जेल में है, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ है, नर्सों फिर घूमने जाएगा, ये नाकाफी है। उसका तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए और जो इनकी कार्रवाई चलती है बुलडोजर उसी में कार्रवाई। अभी आपने कई बार बुलडोजर की बात किया तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की ऐसी परिस्थिति आती है तो पीछे जो इतिहास मिलता है जो सोशल मीडिया पे और जो आरएल खबरें हैं कि बाबा ऐसी घटना करने वाले ऐसे अपराधी के परिवार पर ऐसे अपराधी के मकान पर बहुत जल्दी बाबा का बुलडोजर जल जाता है, ऐसे में अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? यही बात तो समझ से परे है, बाबा का बुलडोजर अभी ये हत्यारा जो है ये जाति न होकर कोई दूसरी जात का होता सरसार तक बुलडोजर चल गया होता। यही बात इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, जातिगत देके काम करती है, जातिगत देके विकास करती है। इस बात को लोगों को जानना होगा और इस सरकार से लड़ने के लिए को कमर कसना होगा, ये जातिगत मामला है। ये इस समय जिस पार्टी से आप हैं जी और कहीं ना कहीं बड़े सम्मानित पद पे हैं तो हम जानना या लोग जानना चाहेंगे कि आप इस परिवार इस पीड़ित परिवार के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहते, कैसे न्याय इनके न्याय के लिए कैसे आगे आना चाहती है? अगर सरकार उचित कार्रवाई करके उनको न्याय नहीं दिलाती है तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे जी, आंदोलन चलाएंगे जी। जो कुछ हो गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में ऐसी बात ना हो इस बात के लिए सरकार को गारंटी देना ही होगा, नहीं तो उनसे की भेजा देंगे। जैसे कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो जाहिर बात है जी आक्रोश बढ़ेगा जी। तो ऐसे में आपका ये कहना है कि अगर हम पार्टी को न्याय नहीं दिला सकते तो रोड और सड़कों पर उतर करके भी प्रदर्शन कर सकते हैं जी। ऐसा आपकी पार्टी करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। हम लोग चूंकि समाज का काम कर रहे हैं, समाज में जो पीड़ित व्यक्ति है अगर उसकी पीड़ा को सरकार नहीं समझती है तो वो खुद उसका हम लोग जो उस पर रोड पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी टोटल सरकार की।